आजादी हमें चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी वो भी चाहिए, अधिकारों की आजादी वो भी चाहिए। तो कौन से छीनेगा ये तो बताओ पहले। ये तो रामजस कॉलेज वाले ही बताएंगे। कितने अधिकार छीनेंगे आपके? मेरे तो कोई अधिकार नहीं छीनेंगे। कभी बोलने पर रोक लगा किसी ने? बिल्कुल नहीं। किसी ने मुंह पकड़ा? बिल्कुल नहीं। तो रामजस कॉलेज को क्या हो गया? अब ये तो वही। अच्छा, ये बच्चे पढ़ाई क्यों नहीं करते श्रीन? ये चलो राजनीति करनी चाहिए मैं मानता हूँ, लेकिन ये जल्दबाजी दरअसल राजनीति अच्छा। में आने की, पॉपुलर होने की। अच्छा, ये पॉपुलर होने की और फेमस होने की, फेम पाने की जल्दबाजी होती है। देखिए मैं मानता हूँ कि तुमने कभी किया था अपने कॉलेज में ऐसा कुछ? मैं तो पढ़ाई के लिए जाता वापस आ जाता था, उसके बाद बाकी किसी एक्टिविटीज, बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में जाता था। क्रिकेट वगैरह खेल लिए, थोड़े कूद भाग लिए, थोड़े जंप लिए, थोड़े एथलेटिक्स वाले कार्यक्रम में हिस्सा ले लिया, लेकिन कभी ऐसे। अच्छा, पॉलिटिक्स अच्छी बात है मुझे लगता है शरीन, लेकिन इस तरह से ये आजादी के नारे और ये तमाम चीजें मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत तो देती है। दिक्कत देती है बिल्कुल, कहीं ना कहीं बाकी बच्चों पर भी बहुत असर डालती है। अच्छा, आपको मैं बताऊं, बच्चों की वजह से बिल्कुल आपको बताऊं, देश में कई गंभीर समस्याएं हैं और ये थोड़ी पत्रकारिता वाली भाषा हो जाती है। मैं ऐसे आम बोलचाल वाली भाषा में आता हूँ। मैं भी उत्तराखंड के पहाड़ वाले इलाकों में घूम रहा था, वहां पर जब गाड़ियां पार होती है तो इतने छोटे छोटे बच्चे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। उनको ना स्कूल का पता है, उनको ना खाने का पता है, उनको किसी भी चीज का पता नहीं है। आप जब इंटीरियर्स में जाएंगे ऐसे ही हालात हैं। ये डीयू में एक नारे लगाने से आपको मीडिया में इतनी फुटेज मिल जाती है, और उन बच्चों का क्या जो सोचिए रोज भूखे सोते हैं। पर क्या वो आजादी मांगते हैं? क्या मांगते हैं वो? अपने अधिकारों की बात करते हैं, सही बात है, वो अपने अधिकारों की बात करते हैं, वो क्या मांगते? वो तो कुछ नहीं मांगते। और सोचिए कि जिन जो बच्चे आज आजादी की मांग कर रहे हैं उनके पास क्या वो अधिकार मौजूद नहीं है? इतने बड़े कॉलेज में वो पढ़ रहे हैं और फिर भी उनके पास आजादी नहीं है। किस बात की आजादी? किस बात की आजादी? मतलब आप बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपके पास सारी अपॉर्चुनिटी है, आप आइए राजनीति में, उसके बाद आप काम कीजिए। अगर आप जिसे डर्टी पॉलिटिक्स कहते हैं तो आपको उतर के इसे साफ करना होगा। हम आपकी मदद करेंगे, हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, और हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहते कि आप ऐसा ना करें, आप कीजिए, लेकिन चीजों में अगर दम हो तो फिर उस चीज को करने में भी मजा आता है। बिल्कुल, मौका आपको भी मिलेगा, लेकिन अभी आप वहाँ पढ़ने गए तो मुझे लगता है पढ़ाई इस वक्त ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ तमाम एक्टिविटीज कीजिए, लेकिन हमें उम्मीद है कि कुछ गंभीर समस्याओं की ओर भी आप लोगों का ध्यान खींचेंगे, और आप लोग ही देश के भविष्य हैं और आप लोग ही इस देश की दशा और दिशा तय करेंगे आगे। तो उम्मीद है कि उन गंभीर समस्याओं की भी आप लोग बात करें, इसके साथ साथ जो चाहिए, जिसकी ओर ध्यान सबका जाना चाहिए। आज के इस में बातचीत में फिलहाल इसको यहीं बंद करना चाहूंगा। फेसबुक लाइव है, लेकिन सोचिएगा सर, ब्रेक का वक्त चल रहा है, ब्रेक खत्म होने वाला है। हम लोग कल फिर मिलेंगे और बात करेंगे इसी तरह से रोज, जब भी वक्त मिलेगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, और आप भी इन तमाम बातों को सोचिए। बाय बाय।